हाय गाइस, दिस इज़ नकीब शिनवारी एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। और आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पोको की सीरीज़ के बारे में। इस वक्त मेरे पास पोको का जो है फ़ोन हाथ में मौजूद है। और गाइस, आज की वीडियो में आपको जो है चेकिंग की वीडियो बताऊंगा कि यार पोको जो है इसके फ़ोन जो है किस तरह से चेक करने चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि मैंने तो इस वक्त ऐसा है कि सैमसंग और जितनी भी ब्रांड है उसके अलग अलग वीडियोस वगैरह जो है अपने वीडियोस में बकायदा मैंने दिखाया कि कौन सी सीरीज़ का फ़ोन किस तरह से चेक करना चाहिए, वीवो का किस तरह से चेक करना चाहिए, ओप्पो का किस तरह से चेक करना चाहिए, सैमसंग का किस तरह से चेक करना चाहिए। बकायदा मैंने वीडियोज़ बना के दी हैं। हर मॉडल को चेक करने का तरीका अलग है, कोई भी प्रोसेस दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। उसका जो M3 जो है लॉन्च हुआ था, पोको M3 जो मोबाइल है, इसमें ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था कि बाज़ औक़ात जैसे कस्टमर्स ने फ़ोन वगैरह ले लिए, पोको M3 464 का जो वेरिएंट इनका लॉन्च हुआ था, वो गाइस खुद ब खुद रीस्टार्ट का जो है ऑप्शन उसमें, मतलब ऑप्शन तो नहीं कह सकते, फॉल्ट जो है ना आना शुरू हो गया। और जो है कस्टमर्स लेके गए और पावर ऑन ऑफ का जो है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल गया। काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी पोको M3 की, जो कंप्लेंट्स हैं हमें मिली थी, हम लोगों ने उस कंप्लेंट को आगे भी फॉरवर्ड किया था ताकि लोगों को अवेयरनेस जो है वो मिल जाए। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अगर पैनल चेंज होगा तो किस तरह से आपको पता लगेगा। गाइस, पोको M3 में तो पैनल के जो है इशू नहीं आते, इनका तो कोई इशू का प्रॉब्लम नहीं है। गाइस, अगर पैनल चेंज होगा ना, जो यहाँ पे एयरपीस की जगह है, यहाँ आपको लाइट बाकायदा बाहर की तरफ नज़र आ रही होगी, इट्स मीन इसका जो पैनल है वो चेंज है। गाइस, उस वक्त बिल्कुल जो है ना इसके पैनल चेंज नहीं है। और गाइस, सेकंड तरीका यही है कि अगर आप पैनल में एक स्पॉट वगैरह आ रहे हैं तो आपको वाइट स्क्रीन पे जो है ना आपको डॉट वगैरह जो है देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गाइस, इसमें तो खैर इस तरह से कोई इशू नहीं है, लेकिन गाइस मैं एक एहतियातन आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें यूज़ फ़ोन में देखिए। अगर बॉक्स पैक वाले फ़ोन में आपने ये चीज़ें नहीं देखी, क्योंकि उसकी तो वारंटी होती है। वैसे गाइस, पोको की जो सीरीज़ है इसमें वैसे 3 ईयर्स की जो है वारंटी दे रहे हैं इस वक्त, लेकिन बहरहाल फिर भी अगर आप ओएलएक्स वगैरह या शॉक्स के पास जा रहे हैं तो ये चीज़ें आप ज़रूर चेक कीजिएगा। गाइस, इसके अलावा अगर आपको चार्जिंग का जो है आपको जो है अपने मोबाइल को जो है एटलीस्ट इनका जो अपना चार्जर है, गाइस मैं अपनी वीडियोस में अक्सर बताता रहता हूँ कि आप जब भी कोई बॉक्स वाला फ़ोन ले लें उसके साथ कोशिश कीजिए उसका जो अपना है वो फ़ोन अपना जो चार्जर है वो ज़रूर ले लीजिएगा। क्योंकि अपने चार्जर से ये फ़ायदा है आपको कि मैच होता है, एक चीज़ जब मैच हो रही होती है उसको चार्ज करने में आसानी होती है। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बॉक्स के साथ चार्जर नहीं होता, कोई और चार्जर अगर आप लेते हैं वो कंपेयर नहीं करता उस चार्जर को, तो बाज़ औक़ात फिर बंदा बोलता है कि यार ये मोबाइल में इशू आ रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसका अपना एम्पियर जो है उसको मिल नहीं रहा होता, क्योंकि अब इसके साथ 18 वोल्ट का जो है फास्ट चार्जर है। अगर आप इसको 2 एम्पियर का फास्ट चार्जर लगाएंगे तो ये आप घंटों में बैठ जाएं, आपको जो है चार्जिंग का जो है प्रॉब्लम ये फेस होगा। तो गाइस, जब भी आप फ़ोन ले कोशिश कीजिए इसका जो अपना ही चार्जर है वो ज़रूर लीजिएगा। गाइस, साउंड में जाके आप जो है ना साउंड ज़रूर चेक कीजिएगा, बाज़ औक़ात साउंड में भी इश्यूज आ रहे होते हैं। तो गाइस, साउंड क्वालिटी ज़रूर चेक कीजिएगा, कहीं के साउंड वगैरह के कहीं में स्पीकर वगैरह का कोई मसला आपको क्रिएट तो नहीं हो रहा। ये गाइस ये चीज़ें लाजमी चेक कीजिएगा। गाइस, PTA को तो आपको पता होगा कि आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, आप DVS इंस्टॉल करेंगे, वहाँ से आप *#06# मिला के आप जो है ना IMEI जो है स्कैन करके आप जो है ना पता लगा सकते हैं कि यार ये सेट जो है PTA अप्रूव है कि नहीं है। गाइस, आप ये ज़रूर आप ये जहन नहीं रखेगा कि यार ये पोको M3 है तो पाकिस्तान में ही लॉन्च होगा। गाइस, ऐसा होता है कि बाहर के जो लोग होते हैं वो भी अपने साथ जो है ना अपने फ़ोन लेकर आ रहे होते हैं बाहर से, तो वो 2 महीने यूज़ करते हैं तो बाद में non-PTA हो जाता है। ये गाइस ये चीज़ आप ज़रूर जहन में लिख लीजिएगा। गाइस, बॉक्स की जो IMEI है आप ज़रूर मैच कीजिएगा *#06# मिला के, इस तरह से जो IMEI नंबर आ रहा है ये इसको बॉक्स के साथ ज़रूर मैच कीजिएगा। क्योंकि बाज़ औक़ात आपको पता नहीं होता कि यार ये जो काम की चीज़ें उसको मिस कर देते हैं और दूसरे मतलब कैश और उनके ऊपर मतलब बात करते हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर जो है ना इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर चेक कीजिएगा।
कि कहीं बॉक्स का इसका मैच है कि नहीं, बॉक्स आई मी नंबर के साथ जो है वो मैच होना चाहिए। गाइस इसके अलावा अगर आपको मैं बता दूं कि आपको टच का तरीका, तो मैं आपको काफ़ी वीडियोस में भी बता चुका हूं, इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको टच इस तरह से जो है स्क्रीन के ऊपर, पूरे स्क्रीन के ऊपर आपको जो है ना टच को पैरना होगा, ताकि आपको जो है ना पता लगे कहीं से अटक तो नहीं रहा। ये चीज़ें जो है ना ज़रूर चेक कीजिएगा इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें इस तरह से पूरे स्क्रीन के ऊपर जो है ना आपको टच को जो है ना पैरना होगा। जिसे सैमसंग के जो है एक स्टार है, जीरो स्टार हैच करके कोड आ जाता था, लेकिन इसमें आपको मैनुअली चेक करना होगा। और गाइज मैनुअल चेक करना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत आप कोड के ज़रिए जो है ना आप चेक करें। कोड से इतना फ़ायदा नहीं होता जिस तरह से मैनुअल से आपको फ़ायदा होता। अगर कहीं से भी आपको रुक रहा होगा टच, तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा। गाइज इसके अलावा जो है आप कॉलिंग ज़रूर चेक कीजिएगा। कॉलिंग से ये होता है कि आपको डुअल सिम एट अ टाइम आप जो है लगा के जब आप फ़ोन बाय कर रहे होंगे। पोको की पूरी सीरीज़ की मैं बात करूँगा, अकेला पोको M3 प्रो जो मेरे पास इस वक्त है उसकी बात नहीं कर रहा, ये पूरे पोको M3 प्रो सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, उसको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है गाइज, अगर आप जैसे डुअल सिम जो है ना आप इसको लगा के आप जो है ना कॉलिंग ज़रूर चेक कीजिएगा कि कहीं से कॉलिंग में तो मसला नहीं आ रहा। बाज़ू का दिए होते हैं एयरपीस में डस्ट वगैरह आई होती है, उसकी वजह से आवाज़ स्लो आ रही होती है, लेकिन आप वो मसला नहीं ले, वो मसले की बात नहीं होती। आप साफ़ करके भी उसको जो है ना आप कॉलिंग वगैरह की जो है आवाज़ जो है बेहतर बना सकते हैं। तो गाइज ये इसके अलावा कनेक्टिविटी जो है मैं आपको बताता हूँ, अक्सर अपनी वीडियो में कनेक्टिविटी ज़रूर चेक कीजिएगा। कनेक्टिविटी जो है ना मतलब ब्लूटूथ वगैरह और वाईफाई वगैरह जो है बाकायदा कनेक्ट करके आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और गाइज अपना जो है आपको अगर इसके पास अगर ये पोको की सीरीज़ का जो भी फ़ोन ले रहे हैं, अगर आप चार्जिंग लगाते हैं एटलीस्ट आप 1-2% लाजमी चार्ज कर लीजिएगा, ताकि उसको आपको पता लगे कि हाँ यार ये मोबाइल जो है परफेक्टली मैंने मतलब 1-2% चार्ज करके आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये मोबाइल जो है ठीक है या कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो गाइज इसके अलावा कैमरे के ऊपर बात करूँ तो गाइज कैमरे जो है आप चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, सिंपली आपको कैमरा खोलना है। ठीक है, कैमरा खोलने के बाद जो है आपको कैमरे के ऊपर हाथ रखना है इस तरह से कि कहीं पे स्पॉट वगैरह भी होगा ना, तो आपको जो है कैमरे में स्पॉट वगैरह इस तरह से अगर आप फिंगर अपना फिंगर रखेंगे तो आपको बाकायदा नज़र आ जाएगा कि कहीं स्पॉट वगैरह तो नहीं है। और फ्रंट कैमरे पे भी आपको इस तरह से हाथ रखना होगा, ताकि आपको पता चले या फ्रंट कैमरे में या बैक कैमरे में दोनों में कोई स्पॉट तो नहीं आ रहा। गाइज ये अक्सर होता रहता है, लेकिन ये मैं वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा जो है आप ज़रूर चेक कीजिएगा। गाइज ये अकेला इसमें नहीं है, आपको आईफोन में भी ये मसले जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। गाइज पोको जो है ना ये शाइन बॉडी पर बना हुआ है, अगर इसके ऊपर जेली वगैरह नहीं लगी होगी तो गाइज स्क्रैच वगैरह ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे अगर आप कल को बेचते भी हैं तो स्क्रैच वगैरह की वजह से इसकी रीसेल वैल्यू कम होती है। कोशिश कीजिएगा कि अगर जेली नहीं लगे और साफ़ पीस है, लेकिन आप फिर भी आप अपनी जेली जो है ज़रूर लगाइएगा, ताकि इस वजह इससे आपका मोबाइल जो है पूरा प्रोटेक्ट जो है ना पूरा प्रोटेक्ट रहे। और फ्रंट पे भी जो है आप ग्लास ज़रूर लगाइएगा, ताकि आपका जो स्क्रीन है वो सेफ़ रहे। और गाइज अगर आप एक और बात बस गाइज मुझे तो हर चीज़ पता है, लेकिन आपको डिटेल में बताता इसलिए होता कि आपको अवेयरनेस मिल सके, आप खुद ही मोबाइल में जो है मास्टर बने। आपको किसी का हैंड जैसे होता ना हैंड कैरी करके मतलब किसी को अपने साथ लेके जाने के यार मेरा मोबाइल चेक करवा दो, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद ही मास्टर बन जाए मोबाइल चेक करने में। गाइज बाज़ू का ये होता है कि अगर आप फ़ोन बाय करने जा रहे होते हैं ओलेक्स वगैरह पे कहीं से भी, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का मैट ग्लास लगा होता है। गाइज उस मैट ग्लास से अगर स्क्रीन में अगर स्क्रैच भी होगा या स्क्रीन ब्रेक भी होगी तो भी आपको नज़र नहीं आएगी, तो आप सिंपली जो है इसका बैक कवर मैट ग्लास जो है ना वो उतार लीजिएगा। मैट नहीं, अगर सिंपल ग्लास है वो भी आप उतार सकते हैं। वो आप उतारने के बाद जो है ना आपको अगर कोई स्क्रैच वगैरह होंगे तो वो भी आपको वाजे तौर पर जो है नज़र आ जाएंगे। गाइज ये तो थी आज की मेरी वीडियो के हाउ टू चेक पोको सीरीज़, मतलब पोको की सीरीज़ के फ़ोन किस तरह से चेक किए जाते हैं। गाइस बेतहाशा वीडियो मैंने बनाई है, जितने भी ब्रांड्स हैं सबके ऊपर मैंने बनाई है, क्योंकि हमें पता होता है गाइस किस ब्रांड में क्या मसला ज़्यादा आता है हमें पता होता है,
और कौन सा ब्रांड जो है ना हॉट मॉडल है वो भी हमें पता होता है। तो गाइज पोको जो है ये ज़्यादा हॉट तो नहीं है लेकिन एक तरह से हॉट मॉडल है, लेकिन रीसेल वैल्यू है इसकी मार्केट में बनिस्बत दूसरे ब्रांड की। इनके जो बड़े वेरिएंट हैं इनकी रीसेल वैल्यूज़ हैं मार्केट में, आपको जो है बेचने जाएंगे तो आराम से इजीली आप बेच सकेंगे। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप बॉक्स वाला फ़ोन भी लें तो गाइज उसी वक्त आप जो है ना ग्लास और जेली और ये सब चीज़ें जो हैं लगा के रखें ताकि आपको जो है कल को रीसेल करें तो आपको लिए कोई मसला ना हो। इसके अलावा मैंने पबजी टेस्ट के ऊपर भी वीडियो अपलोड रखी है, अगर आपको पोको की सीरीज लेनी है तो आप पबजी जो है ना टेस्ट की वीडियो भी मैंने बनाई है। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज़ अपने दोस्त का जो है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा जो चैनल है ग्रोथ हो सके और आपको जो है मज़ीद जो है अपडेट जो है वो मिलती रहें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपने दोस्त नकीब शिनवारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।